हाय गाइस, तो इस बार का ब्लॉग आप लोग को ये मतलब इसला होगा जिसे जगह जगह पे जाके बनाया है, मिक्सचर किया है। मतलब जैसे कि फिशिंग करने का, करने जाने का, उसके बाद में वो नदी पे जाके थोड़ा ऐसे पिकनिक उकनिक कुछ दोस्त का साथ प्रोग्राम बना के ऐसे बैठना। उसके बाद में जो हमारे यहाँ काइंग बाज़ार में ये साफ सुथरा बाजार को करता है, इधर उधर का कुछ छोटा मोटा काम ये सब हम लोग करता है बाजार यूथ लोग, तो उसमें हम भी मतलब इन लोग है साथ में रहता है, हम भी बाजार यूथ के यूथ का नाम में है हम भी। तो हम लोग जो बाजार यूथ में ये प्लांटेशन के लिए बोल के अभी ये जो रास्ता का किनार किनार में घास उस लगा रहा है, तो वो सब भी हम लोग रिया है, तो उसका भी थोड़ा मोड़ा आपको ला करेंगे, ये वीडियो थोड़ा दिखाएंगे। और आई होप कि आप लोग का अपना जगह में भी ये सब चलता होगा, बाजार यूथ और ये सब ये प्लांटेशन के लिए जो रास्ता का किनार किनार में गाची उची लगाते हैं ना, वो सब आप लोग का उधर भी होता होगा। तो उसी तरह हम लोग का यहाँ भी हुआ है काइंग बाजार में, तो उसका भी आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे। तो गाइस, अब ये मत समझिए कि ये वीडियो कभी इधर जाता है, कभी नदी में होता है, कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, वो मत सोचिए, क्योंकि हम ये वीडियो को जोर जार के बनाया बना रहा है। तो देखिएगा गाइस, और आप लोग का प्यार चाहिए, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए हम कोशिश करेगा गाइस। तो ठीक है गाइस, ज़रा देरी नहीं करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं फिर फिशिंग करने के लिए। ये दोस्त लोग है, ये देखो, देखिए गाइस, वो जगह से फिशिंग करने का प्रोग्राम है दोस्त लोग का। ये तुम्बिन से आगे है, शायद इसमें मच्छी निकलेगा। तो चलिए गाइस, आगे जाके हम लोग को दिखाएंगे फिशिंग करके। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। हाय गाइस, तो हम लोग यहाँ मच्छी मारने आया था फिशिंग करने के लिए। तो फिशिंग करने आके इधर में मच्छी किसने की लाया था, ये जगह में इसमें आया था। यो तो ये किनार में बोम का मच्छी मिला हुआ है हम लोग को, थोड़ा ये चिड़िया भी खाया हुआ है आधा को। देखिए गाइस, आज का हम लोग का डिनर तो हो गया। वाओ, वेरी अमेजिंग। ये देखिए गाइस, ये एक है, उसका बाद में दूसरा। ये गाइस, थोड़ा मच्छर उच्छर खा के ये मधुमक्खी होते हैं ना जंगल का, वो काके थोड़ा खत्म कर दिया ना, बाकी सब ठीक है, एकदम ताजा है। तो गाइस, हम लोग का तो आज दिन बहुत अच्छा निकल गया ना, मच्छी मन नहीं मार रहा है, नहीं मारने से पहले ही लंच मिल गया। तो ऐसे कुछ और भी वीडियो, अच्छा अच्छा वीडियो आपको लेके दिखाएंगे गाइस, आप लोग बने रहिए वीडियो में।
तो गाइस फिर हम लोग आए ये नदी पे योंगो में, सीएम में आया है दोस्त लोग के साथ। तो पहले जो हम लोग ऊपर साइड गया था वहाँ तो हम लोग मच्छी नहीं मिला है, तो नीचे साइड में आए तो मतलब दो मच्छी मिला था, एक को हम लोग दूसरा को दे दिया, उन लोग नहीं मिला था तो एक को हम लोग बना रहा है। पर हम लोग का इसमें दो है, एक है चिकन ये देखिए और एक है देखिए मच्छी। चिकन कितना बढ़िया से टमाटर उमाटर पिटिंग करके, और देखो किस तरह का पिटिंग कर रहा है, ये लोकल स्टाइल है गाइस। और उस तरह कर ऐसे कुछ करके और उसको बम्बू में घुसाएगा। देखिए गाइस हम आजम को अब दम सोलन यंग को एकदम मैंने दम लंबा भी है मैंने दम मच्छी पूरा नहीं घुस पा रहा है इसलिए उसको अभी थोड़ा इसला करेगा, लंबा करेगा। देखिए गाइस मच्छी पूरा नहीं घुस पा रहा है बम्बू में, कुछ ज़्यादा ही हो गया बम्बू में। और वो है चिकन, ऐसे गाइस हम लोग इसको थोड़ा इसला में कर रहे हैं, सिंपल में बना रहा है, मसाला वसला मिक्स नहीं किया क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सब टाउन में रहता है, इसलिए मसाला आइटम का के थक गया, इसलिए हम लोग अभी अपना लोकल स्टाइल में थोड़ा खाने के लिए ट्राई कर रहा है, इसलिए इसमें कोई तेल सेल कुछ मिक्स नहीं है। और इसमें गाइस ऐसे सेंड मिल जाता है जो बम्बू में बनता है, ऐसे सेंड मिल जाता है कि मतलब उसमें बॉईल होने से भी मतलब तेल सेल नहीं होने से भी तेज जो उसका कुछ मज़ा ही कुछ और होता है तेज जो गाइस। देखिए गाइस वो चिकन टू ऑलमोस्ट पैकिंग हो ही गया, अभी ये मच्छी जो ज़्यादा टाइट हो गया, ज़्यादा हो गया मच्छी जो उसका पीस जो ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, इसलिए बम्बू में अच्छे से नहीं घुस पा रहा है। वो भी शायद साइड हो गया, और गाइस हम लोग का जो खाना पीना बनेगा वहाँ पे स्पॉट वहाँ में बनाया है, वो जो लकड़ी देख रहा है वो लकड़ी में ही वो बम्बू को रख के बनाएगा। तो ठीक है गाइस जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए गाइस ये है मकई घास, मकई का बगान, इसमें हर आइटम का सब्जी लगा हुआ है, जून खेती सूखा खेती। हेलो गाइस देखो हम लोग का सब चीज़ बन के तैयार हो गया, और यहाँ में दोस्त लोग मोबाइल खेल के बैठा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गर्म होने से खाने मज़ा नहीं है ना, फिर इस पर नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दिया है। ये देखिए गाइस ये मच्छी, उसके बाद में ये है मुर्गी मीट और ये है मच्छी और वो मुर्गी मीट। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं गाइस, ऐसे भी बहुत हम लोग स्पीड काटा है, इसलिए समझ रहे हो आप लोग को काटे हुए वीडियो नहीं दिखा सकेगा। तो ठीक है गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं दूसरा बार जितना भी हम लोग का सीवियस लीडर है, अब आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एबी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफिशियल जितना भी वॉलंटरीली जो इस कैंपेन को सक्सेस करने के लिए वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करके
जैसे हम लोग का इंडियन रेजिमेंट ने ये ग्रेनियर्स ने ये जाली दिखाया, ये लाया, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी से हम लोग का पेड़ पौधा। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो हेलो, अपना अपना नाम लीजिएगा। हाँ, इसमें है कार्बन वाइस प्रेसिडेंट एसडीएसयू कार्बन ले लेके हेलो गाइस, देखो प्लांटेशन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। प्लांटेशन के लिए काम कर रहे हैं गाइस, हम लोग बाजार यूथ के नाम से रह रहे हैं। बाजार यूथ के नाम से रह रहे हैं गाइस हम लोग प्लांटेशन के लिए। ये देखिए गाइस, हमारे हेलो गाइस, तो इस बार का ब्लॉग यही ख़त्म हो जाएगा, ये एंडिंग है। तो इसमें हम लोग आए हैं गाइस दोस्त लोग के साथ में, अभी ये फिशिंग विशिंग का प्रोग्राम तो नहीं है, मगर जो खाना को हम लोग किस तरह का खाना को ये बनाते हैं आपको दिखाएंगे लोकल स्टाइल में, जैसे खाना को बनाते हैं आपको दिखाएंगे। और जो उसमें पट्टा यूज़ किया जाता है हम लोग का लोकल का पट्टा जो यूज़ किया जाता है वो क्या काम करता है वो भी आपको बताएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहे और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा गाइस, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो गाइस ये देखिए
जिसमें काना को लपेट के बनाया जाएगा, और ये पट्टा को आप सिर्फ इसमें इसको लपेट के नहीं जलने के लिए सिर्फ इसको यूज़ किया नहीं जाता है, यूज़ नहीं करता है इसको। इसका और एक फायदा है कि गाइस इधर से जो सेंट निकलता है, सेंट जो परफ्यूम निकलता है, वो जो काना में लग जाता है तो उसका काना का तेज जो मज़ा हो जाता है, मतलब बढ़िया हो जाता है गाइस। तो गाइस देखिएगा गाइस आप लोग कि काना को किस तरह फिटिंग करता है। तो ये देखिए गाइस कुछ इस तरह फिटिंग करता है काना को। ये दो है। और गाइस वो देखो वहां में आधा बन रहा है। ये देखिए गाइस कैसे फिटिंग कर रहा है। अभी काना इसका ही डिजाइन में निकालेगा, ये बंबू का डिजाइन में राउंड होके गोल होके निकालेगा। और पहले भी आप लोग को बताया ये पट्टा जो परफ्यूम का काम करता है, सिर्फ उसको काना को जलने नहीं देगा बोल के, उसी के लिए नहीं है ये, जो परफ्यूम का भी काम करता है, काना में अच्छा सेंट लगता है और काना का टेस्ट जो बहुत बढ़िया हो जाता है गाइस। ये देखिए गाइस इस तरह का है। अब इसमें पानी डाल के बनाया जाएगा, शायद थोड़ा काना कम चावल थोड़ा कम कर गया। हो गया ना फिटिंग? पानी लेंगे पानी, अभी वो पानी डालने जा रहे गाइस। अभी उसका ढकना बनाएगा उसको, ताकि जल्दी बनने के लिए गरम जो अंडा दी रह के जल्दी उबलने के लिए। गैस जो जितना गरम जो अंडा में फोम होके बैठेगा उतना जल्दी खाना जो पकेगा, इसके लिए ढकनी टाइट कर रहा है। ये तैयार हो गया, अभी कुछ इस तरह का रखेंगे उसको और आग जलाए अंदर साइड में। तो ठीक है गाइस बनने के बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस हमारा खाने पीने के लिए रेडी हो चुका है। बम्बू में जो खाना बनाता है गाइस इस तरह का निकलता है, ये देखिए। बहुत तेज से बनाया है गाइस, अभी शुरू करने जा रहा है और हम भी ज़्यादा देरी वीडियो नहीं ले पाएगा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो ठीक है गाइस इससे ज़्यादा तो हम नहीं दिखा पाएगा। मैं उनको आगे नहीं।